और मिस तानी तो बहुत खुश हुई होंगी मेरा एडमिशन का सुनकर। मम्मी का तो पता नहीं, तुम्हें पता है ना वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती हैं। हाँ अलबत्ता पापा बहुत खुश हैं तुम्हारे एडमिशन का सुनकर। और तुम कैसा फील कर रहे हो? अच्छी बात है कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रही हो, मगर मैं तुम्हें कहा भी था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंटर पास हो या मास्टर्स कर लो, इतने झमेले में पढ़ने की क्या जरूरत है। रियान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इतनी खुशी अलग और तुमसे दूरी खत्म। अब तुम जहाँ होगे वहां मैं होंगी। जब दिल करेगा तुमसे मिलूंगी, जब दिल करेगा तुम्हें देख लूंगी। इतनी बेताबी मेरे लिए? जब सब कुछ जानते हो तो फिर ये सवाल क्यों? हाँ तो बार बार तुम्हारा जवाब सुनना मुझे अच्छा लगता है। रियान तुम ना कौन है? वो तैयबा बाजी, रईस भाई कह रहे हैं उनके सर में दर्द है तो आप एक कप चाय उनके लिए बनाते हैं। कौन है? नूरी है, यहाँ काम करती है। नूरी बस मैं आ रही हूँ। जी अच्छा रियान मैं फोन रखती हूँ, मुझे रईस मामू के लिए चाय बनानी है। ठीक है? अब तो उनके लिए चाय भी बनाओगी? जब उनके घर में ये मुलाजमा मौजूद है तो तुम्हें क्या जरूरत है चाय बनाने की? रियान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रईस मामू मेरे बड़े हैं, मेरे मामू हैं। अगर वो कहेंगे तो मुझे चाय तो बनानी पड़ेगी ना। और सच बात तो यह है कि रईस मामू को कुछ ही दिनों में मेरे हाथ की बनी हुई चाय की आदत हो गई है। अच्छा, बड़ी जल्दी उनको तुम्हारी आदत पड़ गई। बात सुनो मेरी कान खोल के, मुझे तुम्हारा यूं भाग भाग कर उनकी खिदमतें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन भी मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी कि मैं मामू के लिए चाय बना रही हूँ। मैंने ये बात इग्नोर कर दी। लेकिन ये क्या बकवास है? कभी तुम उनके कपड़े प्रेस कर रही हो, कभी उनका कमरा साफ कर रही हो, पर वो भी अच्छी बात नहीं है। तुमसे सारे काम ले रहे, क्या तुम्हारे आने से पहले उनके घर में काम नहीं हो रहे थे? और तुम भी उनके आगे पीछे नौकरों की तरह भागती रहती हो। रियान रियान तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रईस मामू के लिए सब कुछ सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी सगी भांजियों की तरह ट्रीट करते हैं। और सच बात तो ये है कि मैं और अम्मी चाहते हैं कि रईस मामू की शादी रुतबा से हो जाए। हम उनको कन्विंस करने में लगे हैं। तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है वो एक बेवा से शादी करेंगे? शायद कर भी लें, फिलहाल तो उन्होंने अम्मी से इनकार कर दिया है। लेकिन मैं वाकई चाहती हूँ कि रईस मामू और रुतबा की शादी हो जाए। तैयबा जो भी है, तुम्हें दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? रियान रुतबा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम जानते हो कि उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो बस खुश रहे और कोशिश करने में क्या हर्ज है। ओके, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अच्छा मैं जाऊँ, मामू चाय का वेट कर रहे होंगे। ठीक है जाओ। ओके बाय।